रेजरपे का ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आप रेजरपे के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब आपका अकाउंट अप्रूव भी होगा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक रेजरपे का अकाउंट अप्लाई किया था और हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन भी गया। यहाँ पे आ चुका है अकाउंट एक्टिवेट और यहाँ पे है कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल। योर केवाईसी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेट और यहाँ पर है लाइव मोड अनेबल। साथ में हमने इसके अंदर ट्रांजेक्शन भी किया। इस अकाउंट को अप्रूव किए हुए 1 मंथ प्लस हो चुका है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है 5 रुपीज़। ये इस मंथ का ट्रांजेक्शन है। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं डेट को चेंज पास्ट 90 डेज, तो टोटल है यहाँ पर 6 रुपये। साथ में यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये पैसा हमारा बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली सेटल्ड भी हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप रेजरपे का अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि रेजरपे क्या है, तो उनके लिए मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। रेजरपे एक पेमेंट गेटवे सिस्टम है, जिसे आप अपने वेबसाइट में या फिर अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इससे आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट, और ये पेमेंट गेटवे के लिस्ट में नंबर 1 पे हैं। पहले देख लेते हैं इसका प्राइसिंग, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है यहाँ पे किस तरीके से प्राइसिंग है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2% चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन्स, यानी कि 2% चार्ज करेगा आपका हर एक ट्रांजेक्शन में। मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट का वैल्यू है 100 रुपीज़, तो उनमें से 2 रुपीज़ ये कर लेगा चार्ज, प्लस 18% GST। GST कौन सा, यहाँ पर जो 2% चार्ज कटेगा, यानी कि 2 रुपये, अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू है 100 रुपीज़, तो फिर 2 रुपये के अंदर जो 18% आते हैं GST, यानी कि 36 पैसे, ये वो काटेगा। यानी कि आपका कटने वाला चार्ज कितना, 2.36%। यह है इंडिया का चार्ज, अगर इंडिया से कोई भी पेमेंट आता है तो, चाहे वो UPI से हो या फिर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर किसी भी तरीके से हो। अगर यही ट्रांजेक्शन होता है इंटरनेशनली, तो उसका चार्जेस अलग अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेशनल पेमेंट। अगर इस तरह का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट होते हैं, तो आपको देने पड़ेंगे 3%, फिर उसमें 18% GST। अगर इस तरीके से किसी भी बैंक से ट्रांजेक्शन आता है इंटरनेशनली, तो आपको देने पड़ेंगे 1.5%। अगर इस तरीके से आता है यहाँ पर जो लिस्ट है, तो आपको देने पड़ेंगे 3.5% प्लस 18% GST इसके ऊपर। साथ में यहाँ पर सेटअप फ़ी और एनुअल फ़ी बिल्कुल 0 है, यानी कि अभी आप जो अकाउंट अप्लाई करोगे, आपको 1 भी रुपये पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसका कोई एनुअल फ़ी है, बिल्कुल 0 है। सिर्फ आपको देने पड़ेंगे ट्रांजेक्शन फ़ी, आपका जितना प्रोडक्ट का वैल्यू होगा उसमें 2%, और उस 2% में 18%, यानी कि 2.36%। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि रेजरपे का आप अकाउंट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपना एक न्यू अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, आप किसी ब्राउज़र में जाकर सर्च करेंगे रेजरपे, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएंगे। हमें यहाँ पर क्लिक करना है रेजरपे पेमेंट गेटवे, फिर आप इस पेज में आ जाएंगे। हमें अपना एक न्यू अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे साइनअप, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से न्यू पेज खुल जाएगा। हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ध्यान रहे कि आप यहाँ पर वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे जिसे आप कभी भी इस्तेमाल ना किए हो, क्योंकि यहाँ पर चाहिए फ्रेश मोबाइल नंबर एक न्यू अकाउंट बनाने के लिए। अगर आप ओल्ड मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे जिससे आपने पहले ट्राई किया था, तो वो मोबाइल नंबर यूज़ नहीं होगा, आप अपना ओल्ड अकाउंट में ऑटोमेटिक हो जाएंगे लॉगिन। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम न्यू मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर एक सिस्टम है, क्या आपको व्हाट्सएप में कोई भी अपडेट चाहिए, तो इसे टिक रखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो इसे कर देंगे ऑफ। फिर करेंगे यहाँ पर सेंड OTP। इसके बाद हम यहाँ पर अपना OTP एंटर करेंगे जो हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा, और वह OTP होगा 6 डिजिट का। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया OTP, आपके केस में भी कुछ इस तरीके से ही OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट OTP। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना नेम टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करेंगे अपना फुल नेम जो हमारे आधार कार्ड या पैन कार्ड में है। आपको भी कुछ इस तरीके से ही अपना नेम टाइप कर देना है। फिर करेंगे यहाँ पर कंटिन्यू। इसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है आप जो पेमेंट कलेक्ट करोगे वो किस में करोगे, क्या वो वेबसाइट है, एंड्रॉयड ऐप है, iOS ऐप है, या फिर कोई सोशल मीडिया है जहाँ से आप पेमेंट को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है ऑन माई वेबसाइट। वेबसाइट को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा अपने वेबसाइट में, मैं जिसे यहाँ पर लिस्ट करने वाला हूँ उसे किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे ताकि ये अप्रूव हो जाए। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू। बस हमें पहले ये अप्रूव होना चाहिए, फिर आप इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन या कहीं भी लिंक करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका अप्रूव हो जाए फर्स्ट टाइम, फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हो।
अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यहाँ पर अपना वेबसाइट का यूआरएल टाइप करो, आपका वेबसाइट कौन सा है। तो यहाँ पर हम उठाने वाले हैं वही वेबसाइट जो वेबसाइट हमने आपको बनाना सिखाया था, newslink.me, ये वाला वेबसाइट newslink.me। हमने इस वेबसाइट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है बस सिर्फ अप्रूवल के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट को, इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है, अबाउट अस कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, रिफंड एंड कैंसिल पॉलिसी, शिपिंग एंड डिलीवरी, ये सारा चीज़ आपके वेबसाइट में होना चाहिए तभी आपका रेजर पे अप्रूव होगा। इन सभी चीज़ों को किस तरीके से हम बनाएंगे, कैसे लिखवाएंगे इसे ChatGPT की मदद से, या फिर आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन हमने सभी को लिखवाया है ChatGPT की मदद से। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा किस तरीके से आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो रेजर पे के अकॉर्डिंग, ताकि आपका रेजर पे अप्रूव हो जाए। तो हम करते हैं इसे कॉपी कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट, फिर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद कह रहा है कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, अगर आप अकेले हो तो आप चूज़ करेंगे इंडिविजुअल, या फिर अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, या फिर इनमें से कोई भी चीज़ है, तो आप इसको करेंगे सेलेक्ट। हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल, क्योंकि हम अकेले हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, हम इंडिविजुअली काम करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, फिर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करो, RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना ही होगा, यहाँ पर मेंशन कर चुका है। अगर आपने इससे पहले रेजर पे के लिए अप्लाई किया था और आपका रिजेक्ट हो गया है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करना है, क्योंकि आपका पैन कार्ड नंबर तो चेंज नहीं होगा, नहीं आधार कार्ड चेंज होगा, इसलिए आप उसी को इस्तेमाल करें, आपका अप्रूव हो जाएगा। मैंने भी जो उस अकाउंट को सेटअप किया था, पहले रिजेक्ट हुआ था, फिर हम दोबारा अप्लाई किए जब चालू हुआ इसका ऑनबोर्डिंग, तो ये अप्रूव हो गया था। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपका पहला रिजेक्ट हुआ है तो आपका अप्रूव हो जाएगा, बस आपको चेंज करना है सिर्फ gmail ID एंड मोबाइल नंबर, फिर करेंगे यहाँ पर कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कन्फर्म योर नेम, आपने जो पैन कार्ड नंबर एंटर किया है उस पैन कार्ड में यही नेम है, क्या यह सही है? अगर सही है, अगर आपका यहाँ पर नेम रॉन्ग आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट पैन, यानी कि अपना पैन कार्ड नंबर को एडिट करेंगे अगर आपने गलत टाइप कर दिया है तो। अगर आपका सही है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यस कन्फर्म। फिर कह रहा है कि आप यहाँ पर ब्रांड नेम कौन सा रखने वाले हैं, यानी कि अपना कंपनी नेम, अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसका जो ब्रांड रखते हैं उस नेम को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खुद का नेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो नेम टाइप करोगे वो नेम आएगा अगर कोई भी पेमेंट होता है तो, इसलिए आपको यहाँ पर हमेशा यहाँ पर अपना ब्रांड नेम ही टाइप करना है, ये ज़्यादा बेहतर है। हमने तो फिलहाल टेम्पररी इस ब्रांड नेम को यूज किया है, बस आपको दिखाने के लिए मैं इसे चेंज करने वाला हूँ फ्यूचर में। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू ब्रांड नेम टाइप करने के बाद। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आप किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं अपने वेबसाइट में या फिर अपने एप्लीकेशन में, आपने जो भी सेलेक्ट किया है। अगर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ई-कॉमर्स, तो आप सेल करेंगे क्या फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर चूज़ करेंगे एजुकेशन, तो आप अपने वेबसाइट के जरिए या फिर अपने एप्लीकेशन के जरिए एजुकेशन शेयर करेंगे, कोर्स वगैरह जैसे कि बहुत कोई करते हैं। यहाँ पर अपने चीज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है आपका किस टाइप का एजुकेशन शेयर करेंगे, क्या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, या फिर इनमें से कोई है, जैसे कि हमारा क्या है ई लर्निंग, तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे ई लर्निंग। फिर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या आपका कोई एडटेक प्लेटफार्म है लाइक अनअकैडमी, बायजूस, इस तरीके का आपका कोई एडटेक प्लेटफार्म है, आप इस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं तो आप इसको टिक करेंगे, या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्स बेचना चाहते हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आपका इनमें से किसी टाइप का है, अगर आपका कोई कोचिंग वगैरह है फिजिकल, तो आप इसको चूज़ करेंगे, हमारा टाइप होगा इस तरीके का, तो हम यहाँ पर हम इसको सेट रखेंगे, फिर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद कह रहा है कि हमें यहाँ पर अपना ईमेल टाइप करना है जिसमें हम अपडेट दें, फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेंड OTP। यहाँ पर हमारे ईमेल ID में OTP आ चुका है, हमें यहाँ पर अपना OTP इंटर करना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा नोटिफिकेशन, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर बेसिक डिटेल्स। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है कंप्लीट KYC, हमें अपना KYC करना होगा, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, आइडेंटी प्रूफ, बेसिक डिटेल्स आ चुका है, ये सारा चीज़ हमें तीन चीज़ ऐड करना होगा। सबसे पहले बिजनेस एड्रेस, यहाँ पर हमें वो एड्रेस टाइप करना है जहाँ पर हमारा बिजनेस रन होने वाला है। अगर आप अपने घर से ही कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना घर का एड्रेस टाइप करेंगे, या फिर अगर आपका कोई ब्रांच वगैरह, ऑफिस वगैरह है,
तो आप वहाँ का एड्रेस टाइप करेंगे। साथ में ये भी ध्यान दें कि यहाँ पर वही एड्रेस टाइप करना है जो उस एड्रेस को प्रूफ करने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी हो। अगर आप अपने घर से रन कर रहे हैं तो आप अपने आधार कार्ड को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे बिल्डिंग नंबर या फिर नेम या फिर स्ट्रीट। अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पर टाइप करेंगे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस हमें इतना ही टाइप करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे पिन कोड, यहाँ पर सिटी, ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिन कोड को टाइप करते ही यहाँ पर आ जाएगा स्टेट ऑटोमेटिक, फिर क्लिक करेंगे डन, इसे कर देंगे नो थैंक्स। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है बैंक डिटेल्स, हमें यहाँ पर कौन सा बैंक ऐड करना है, हमें यहाँ पर टाइप करना होगा उसका अकाउंट नंबर। इसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है अपना बैंक का आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक आपका ब्रांच। साथ में यहाँ पर आपका ऊपर नेम मेंशन होगा, ध्यान रहे कि आपका नेम और बैंक अकाउंट में नेम बिल्कुल मैच होना चाहिए, तभी आपका रिजर्व पे का अकाउंट अप्रूव होगा। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आपका रिजर्व पे का अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारा कुछ फिल करने के बाद डन। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ₹1 क्रेडिट होंगे विद इन मिनट। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, आधार कार्ड, पासवर्ड, वोटर आईडी कार्ड को मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं या फिर हम आधार कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं डिजी लॉकर के थ्रू। ये फास्ट है इसलिए हम इसको चूज़ करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू टू डिजी लॉकर। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे अपना आधार नंबर। इसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसे यहाँ पर करेंगे एंटर। फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबमिट। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का पिन टाइप करना है जो पिन बनाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर इसे कर लेंगे फॉरगॉट। फिर क्लिक करेंगे डन पिन टाइप करने के बाद। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डिजी लॉकर में आपका सारा बायोडाटा उठा लेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भी बहुत कुछ आपने जो भी यहाँ पर अपलोड करके रखा है। आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं आप किसके थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं दो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, क्योंकि हम उसको दे चुके हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसे कर देंगे अनटिक, क्योंकि हमें नहीं देना है ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाउ। फिर यहाँ पर हमें वेट करना है कुछ सेकंड। आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर नोटिफिकेशन, आइडेंटिटी प्रूफ सक्सेसफुली ऐड हो चुका है लेकिन बैंक का प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पर राइट टिक नहीं आ रहा है, इसे देखते हैं दोबारा। यहाँ पर तो सब कुछ सही है, फिर से हम कर देते हैं डन, फिर से नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं बैंक अकाउंट को ही। बैंक डिटेल्स में आते हैं, बैंक अकाउंट चेंज करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं डन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक डिटेल्स ये हो चुका है सक्सेसफुली ऐड, यहाँ पर आ चुका है राइट टिक। इसके बाद हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पर क्लिक करना है सबमिट केवाईसी। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा नोटिफिकेशन। फिर हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने अप्लाई किया था यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं था, डायरेक्ट हो चुका था सबमिट, लेकिन अभी लगा चुका है 199 का फ़ी। तो हमें क्या करना होगा, इसे पे करना ही होगा और यह है नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपका अगर केवाईसी रिजेक्ट होता है, आपका रिजर्व पे में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपका यह पैसा रिफंड नहीं होगा। हमें लगता है कि काफ़ी लोग बल्क में इसे अप्लाई करने लगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ, इसलिए इसे लगाया है ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है सिर्फ वही अप्लाई करे, बाकी लोग अप्लाई ना करें। इससे काफ़ी दिक्कत होता है इन लोगों को, शायद इसी वजह से ये फ़ी लगाया है। लेकिन लास्ट टाइम जब हमने अप्लाई किया था वो जो अकाउंट अप्रूव हुआ था उसमें एक भी फ़ी नहीं था, बिल्कुल फ़ी ज़ीरो था, जैसा कि यहाँ पर वेबसाइट में मेंशन है। प्राइसिंग में जाकर सेटअप फ़ी एंड एनुअल फ़ी बिल्कुल ज़ीरो। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं गेट केवाईसी वेरीफाइड। यहाँ पर क्यूआर कोड खुल जाएगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है सो क्यूआर। ये फेल हो चुका है, फिर से करते हैं ट्राई, क्यूआर में नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर चूज़ करते हैं यूपीआई। फिर से देखते हैं दोबारा ट्राई करके, नहीं हो रहा है, डायरेक्ट में यहाँ पर टाइप करने वाले हैं यूपीआई आईडी। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे यूपीआई टाइप करने के बाद पे नाउ, पेमेंट हो रहा है फेल डायरेक्ट। हमें लगता है कि सर्वर का इशूज़ है, यहाँ पर दिखा रहा है फेसिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर देखते हैं अदर मेथड, कार्ड से देख लेते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं कार्ड नंबर। फिर यहाँ पर कर देंगे टिक, इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं पे नाउ। हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, उस ओटीपी को करेंगे यहाँ पर एंटर। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू, देखते हैं कार्ड से पेमेंट होता है या नहीं। फिर से यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर और ओटीपी आया है, उस ओटीपी को यहाँ पर करेंगे एंटर। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू, अब देखते हैं क्या होता है। हमारा पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुल,
और यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके गॉट इट, इसे करते हैं नो थैंक्स। इसके बाद आपका यहाँ पर KYC अंडर रिव्यू में चला जाएगा, हमें वेट करना है 3 to 4 बिजनेस डेज। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।